Your Excellency, President, मेरे मित्र और भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त श्री जोको विदोडो, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, सलामत सियांग, नमस्कार। इस महान एवं सुंदर देश की ये मेरी पहली यात्रा है। मैं सबसे पहले इस यात्रा का शानदार प्रबंध करने के लिए, गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, मेरा और मेरी डेलीगेशन का आतिथ्य सत्कार करने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति विदोडो जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इंडोनेशिया की विविधता दर्शाते हुए नागरिकों और छोटे छोटे बच्चों ने जैसे राष्ट्रीय पोशाक में मेरा स्वागत किया, उसने खास तौर पर मेरे मन को छू लिया। इट टच्ड माय हार्ट। और राष्ट्रपति महोदय की दूरदर्शिता के लिए, उनके विजनरी नेतृत्व के लिए तथा हमारी भागीदारी को और मजबूत बनाने के लिए, उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए मेरे मन में गहरा आदर है। फ्रेंड्स, हाल में हुए आतंकी हमलों में इंडोनेशिया के निर्दोष लोगों के मारे जाने का मुझे गहरा दुख है। भारत इस प्रकार के हमलों की कड़ी निंदा करता है। इस मुश्किल समय में भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इस प्रकार की त्रासद घटनाएं यह संदेश देती हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर मिलजुल कर किए जा रहे प्रयासों में और अधिक गति लाने की समय की मांग है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की पंचशील फिलॉसफी इंडोनेशिया के लोगों के विवेक और दूरदर्शिता का एक जीता जागता सबूत है। इसमें धार्मिक विश्वासों के साथ सांस्कृतिक परंपराओं का भी निर्बाध एकीकरण किया गया है। सामुद्रिक पड़ोसियों एवं सामरिक साझेदारों के रूप में हमारी चिंताएं एक समान जैसी हैं। सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। आज के बदलते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी विशेष जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम एक जैसी विकास एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगों के रूप में एक दूसरे की प्रगति एवं संपन्नता में हमारे साझा हित है और इसलिए हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझे विजन और सिद्धांतों पर सहमति की है। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सागर SAGAR, और जब मैं सागर कहता हूं मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल
इन द रीजन। और सागर का हमारा विजन राष्ट्रपति विदोड़ो की मैरिटाइम फलक्रम पॉलिसी के साथ बहुत ही मेल करता है। दिसंबर 2016 में राष्ट्रपति विदोड़ो की भारत यात्रा, उस समय हमने एक रोडमैप तैयार किया था। आज हमारी चर्चा में हमने उसके कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का आकलन किया। आज हमारे बीच हुए समझौतों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेंगे और इन प्रयासों में सहायता के लिए मैं हमारे सीईओ फोरम के सकारात्मक योगदान का भी अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हम दोनों देशों के बीच हजारों साल से मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। इनकी एक झलक इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भी दुनिया ने और हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों ने उसे देखा है। इस वर्ष की परेड में आसियान भारत संबंधों की झांकी में भारत के ओडिशा राज्य के त्योहार बाली यात्रा को दर्शाया गया था। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह त्योहार हमारे हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों के आज भी जीवंत होने का उदाहरण है। अगले वर्ष 2019 में हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस दौरान दोनों देशों में बहुत से समारोह आयोजित किए जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया आते हैं, विशेष रूप से बाली में। उत्तराखंड एवं बाली को ट्विन स्टेट के रूप में करने से इस आदान प्रदान में और बढ़ोतरी होगी। दोनों देशों में अधिकांश आबादी युवा है। इन युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए और उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु हम शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हम भारत के आईटी सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने एवं विस्तार के लिए इंडोनेशिया के नेतृत्व के विचारों का स्वागत करेंगे। यह दोनों देशों के लिए लाभकारी भागीदारी रहेगी। फ्रेंड्स, इंडिया आसियान पार्टनरशिप एक ऐसी शक्ति है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तथा उससे परे भी शांति और साझा उन्नति के लिए गारंटी बन सकती है। हम आसियान में इंडोनेशिया की सकारात्मक भूमिका को बहुत ही महत्व देते हैं। साथ ही व्यापक क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण के लिए एसोसिएशन के प्रयास भी एक उदाहरण और प्रेरणा है। मैंने आसियान में भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को विकसित करने में इंडोनेशिया के पुरजोर समर्थन के लिए प्रेसिडेंट विदोड़ो के समक्ष
हमारा आभार व्यक्त किया है। मैं अगस्त में 18वें एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए इंडोनेशिया को भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह बहुत ही शानदार एवं ऐतिहासिक आयोजन होगा और मैं रमजान के इस पवित्र महीने में भारत के 125 करोड़ लोगों की ओर से इंडोनेशिया के सभी लोगों की समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं पुरजोश सफलता की हृदय से कामना करता हूं। उन्हें आगामी ईद उल फित्र के लिए, त्योहार के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरीमा कासी बन्याड़।